हेलो दोस्तों, मैं आप लोग का भाई सुदर्शन। तो आप लोगों के बीच फिर से मैं लेके आ गया हूँ एक मेड इन जापान का म्यूजिक सिस्टम। तो मेड इन जापान का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, जो साउंड का धमाका होगा। तो मेड इन जापान का ये जो मॉडल है, इसका क्या मॉडल नंबर है थोड़ा आपसे मैं दिखा देता हूँ। इसका मॉडल नंबर है, देख लीजिए, GR8। ये आपका 1500 वाट POM में आता है। तो इसका अंदर अभी क्या क्या फीचर्स फंक्शन है, क्या क्या चालू है, क्या क्या नहीं चालू है, सबसे बढ़िया बात इसके अंदर लोडेड फीचर्स आपको मिल जाता है। साउंड का लोडेड फंक्शन एम के अंदर आपको मिल जाता है। और मेड इन जापान का जो मैन्युफैक्चर है वो तो आप चुप जानती हो, टोटली अलग सा मैन्युफैक्चर है और बहुत ही बेहतरीन साउंड क्वालिटी मेड इन जापान वाला जो सोनी का सिस्टम आता है वो प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर फिलहाल ऑक्स और FM चालू है, CD और टेप कैसेट फिलहाल चालू नहीं है। जिस भाई को सर्विस करना आता हो और वो भाई सर्विस करके इसका ऑक्स और इसका टेप कैसेट प्लेयर और CD का वर्किंग में ला सकते हैं। फिलहाल तो इसका ऑक्स और FM चालू है और इसका कंडीशन जो है आप लोगों का सामने है, देख सकते हो। तो जिस भाई को ऑक्स FM चालू हालात में सिस्टम खरीदना हो वो भाई मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। बहुत ही प्यारा लुक देखने में है और साउंड के मामले में भी बहुत ही प्यारा साउंड क्वालिटी देता है। तो चलिए सबसे पहले बॉक्स का कंडीशन क्या है दोनों तरफ का देख लेते हैं, उसके बाद एम के अंदर क्या क्या फीचर्स मिल जाता है, क्या क्या साउंड क्वालिटी मिल जाता है, सब आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। तो चलिए पहले चलते हैं बाई तरफ का बॉक्स। तो बाई तरफ का बॉक्स के अंदर आपका मेन जो वूफर मिल जाता है 6 इंच का, ठीक है। उसके ऊपर में आपको एक मेन ट्विटर मिल जाता है और यहाँ पर देखिए साइड में एक ट्विटर, इस साइड में एक ट्विटर, ऊपर में छोटा सा ट्विटर। टोटल आप पकड़ के चलो 1 2 3 4 5 5 वे स्पीकर सिस्टम है। उसके अलावा इसके ऊपर में इसका सराउंड भी आता है, तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त साउंड प्रोवाइड करता है, बहुत ही ज़बरदस्त। और इस साइड में चलिए, इस साइड में देखिए 6 इंच का मेन बूफर, ऊपर में ट्विटर, उसके साइड में एक साइड ट्विटर, इस साइड में एक ट्विटर, ऊपर में छोटा सा ट्विटर। टोटल 5 वे स्पीकर सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका बैक साइड का कंडीशन कितने ओम्स में आता है वो भी दिखा देता हूँ। और सबसे बढ़िया बात, मेड इन जापान का जो सिस्टम है ये GR8 खास करके 8 ओम्स में आता है, इसकी वजह से इसका बेस का क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो चलिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ लगे हाथ। तो इसका साइड बाय साइड कंडीशन देखिए, फ्रेश कंडीशन पे है। ये रहा बॉक्स का पीछे का कंडीशन, देख लीजिए फ्रेश कंडीशन में है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 8 ओम्स, देखिए 8 ओम्स में आता है, तो बहुत ही प्यारा साउंड प्रोवाइड करता है 8 ओम्स होने की वजह से। उसके ऊपर में ये आपका इसका ट्विटर मिल जाता है, इसका ट्विटर आपका मिल जाता है 16 ओम्स में, ठीक है। तो ये रहा इसका लेफ्ट साइड का बॉक्स। तो अभी फिलहाल मैं इसका राइट साइड का जो बॉक्स है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। राइट साइड का जो बॉक्स है उसका बैक साइड आप देख लीजिए साइड बाय लुक। इसका बैक साइड भी लगभग फ्रेश कंडीशन पे ही है और जो भी कंडीशन आप देख रहे हो ओरिजिनल कंडीशन पे है। मैं कोई छेड़छाड़ नहीं किया हूँ, जिस तरीके से सामान आया उस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ। और ये रहा 8 ओम्स में, और उसके ऊपर में भी आपको सराउंड मिल जाता है। इस सराउंड का वाटेज कितना है, 16 ओम्स में आता है ये भी। तो ये रहा एम का सामने का कंडीशन, सॉरी स्पीकर का पीछे का कंडीशन। अभी फिलहाल इसको ऑन कर लेते हैं। इसके ऑन करने से क्या क्या फंक्शन इसके अंदर आपको मिल जाता है, ऑक्स और FM फिलहाल चालू वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए इसको मैंने ऑन किया फिलहाल, तो वीडियो मोड पे अभी है जिसमें आप ब्लूटूथ ऑक्स और फोन से गाना सुन सकोगे। तो और इसके अलावा इसका ट्यूनर ब्रांड इसका FM, तो इसके अंदर FM और ऑक्स फिलहाल चालू कंडीशन में आपको मिल जाएगा। इसका FM का साउंड सुन लीजिए, इसका FM जो है वो भी वर्किंग कंडीशन में है। और ये सबसे बढ़िया बात, ये आपका मेड इन जापान का GR8 DJ Max। तो DJ Max तो मतलब समझ ही पा रहे हो। और सबसे बढ़िया बात देखिए, इसके अंदर आपको एक फंक्शन मिल जाता है, यहाँ पर देखिए BPM कंट्रोल, देखिए ये डीजे कंट्रोल के लिए है, ठीक है। तो बहुत तरह खास मुझे मालूम नहीं है, लेकिन डीजे कंट्रोल के लिए दिया हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा आपको इसका जो गाना है, गाना मैं आप लोगों को सुना देता हूँ थोड़ा सा। अब बेस क्वालिटी थोड़ा सा हेडफोन लगा के सुनिएगा।
आपको सुना दिया, बहुत ही प्यारा साउंड देता है। और उससे भी बढ़िया बात, आपको ये जो बेस है इसके अलावा आपको और भी ज़्यादा बेस बढ़ाने की ज़रूरत है तो इसके अंदर पीछे में एम का मैं आपको दिखा दूंगा एक्टिव सबवूफर का पॉइंट भी है। अब वहाँ पे एक्टिव सबवूफर लगा के भी इसका साउंड को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो बेस क्वालिटी को। तो चलिए इसके अंदर आपका साउंड मूड क्या क्या मिल जाता है आप लोगों को मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ और दिखा देता हूँ। देखिए फाइल पे तो मिल जाता है ग्रोव मूड, जो ग्रोव मूड हर एक सिस्टम में आता है, ठीक है। तो उसके बाद इसके ऊपर में आपको मिल जाता है ये देखिए सिंकोनिन फॉर्मेट, फॉर्मेट ओनली फ्रंट नॉर्मल लिंक मूड, देखिए बहुत ही प्यारा है साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग मूड से। उसके साइड में आपको ये म्यूजिक मूड मिल जाता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है म्यूजिक मूड। तो म्यूजिक मूड से ऑन करके आप यहाँ से पैनल में ये पैनल को घुमा घुमा के आप एक एक मैनुअल साउंड सेट करके उसके ऊपर गाना सुन सकोगे। तो मुझे तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा आप लोग को मालूम ही है मुझे रॉक वाला पसंद है तो रॉक मैं सुनता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर देखिए हाई फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी की एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से आप प्रेस करके इसका जो हाई फ्रिक्वेंसी है लो फ्रिक्वेंसी है ये आप मैनुअली एडजस्ट करके इसके अंदर आप गाना सुन पाओगे। देखिए मैं एडजस्ट कर रहा हूँ मैनुअली। और इस साइड में आपका लो फ्रिक्वेंसी है तो लो फ्रिक्वेंसी में आप प्रेस करके देखिए लो फ्रिक्वेंसी भी आप यहाँ पे मैनेज करके बजा सकते हैं। उसके नीचे ये रहा आपका डीजे का फंक्शन, तो डीजे का फंक्शन भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको प्रेस करके दिखा दिया जो क्या कंट्रोल है, इसमें वॉइस आता है। और यहाँ पे जो है टोटल ये डीजे का कंट्रोल है। और उसके नीचे आप दो माइक इसके अंदर आप गाना गाने के लिए लगा सकते हो, ये माइक लेवल का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। और दोनों माइक तो डुएट वॉइस में भी आप गाना गा सकते हो। और जब इसके अंदर आप डायरेक्ट ऑक्स से कोई म्यूजिक चला के गाना आप गा सकते हो डायरेक्ट, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। फिलहाल इसके ऊपर में देखिए करोके मैक्स का जो ऑप्शन है यहाँ पर आप प्रेस करोगे और इसे आप प्रेस कर दोगे। देखिए मैं इसके अंदर जो करोके सिंगिंग जब आप ऑन करोगे तब उसके अंदर क्या डिफरेंस आता है थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए। देखिए मैं करोके पिन यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए पहले ये रहा नॉर्मल गाना। जब इस गाने के साथ आप गाना गाना चाहते हो तो यहाँ पे आप करोके पिन ऑन कर देना तो वोकल घट जाएगा बेस बढ़ जाएगा, आप ऑटोमेटिकली गाना इसके अंदर गा सकोगे, ठीक है। देखिए मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये रहा नॉर्मल मूड। और जब इसके अंदर आप कोई गाना गाना चाहते हो जे मैं खुद गाना गाऊंगा तो आप क्या करना, म्यूजिक तो बैकग्राउंड पे चल रहा है चलने देना, साउंड फुल कर देना, उसके साथ आप एक करोके पिन का ऑप्शन प्रेस कर देना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका माइक पोर्ट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। आप माइक कनेक्ट करके यहाँ से साउंड ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है इस वॉल्यूम पे साउंड आप एडजस्ट करके आप गाना गा सकोगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। उसके साथ आपको क्या क्या फंक्शन मिल जाता है साउंड का, ये देखिए डीबीएफ मूड जो है डीबीएफ मूड का ऑप्शन इसको यहाँ पे आपको मिल जाता है। सराउंड मूड का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। और ये जो देख रहे हो ये रहा आपका इक्वलाइजर एडिट का, तो फुल्ली लोडेड फंक्शन इसके साथ आपको मिल जाता है मेड इन जापान के साथ। छोटे हो चाहे बड़ा हो सबके अंदर ही आपका फुल्ली लोडेड फंक्शन सोनी का मेड इन जापान GR8 में आपको मिल जाता है। तो ये रहा तो फिलहाल बॉक्स का और एम का सामने का जो मैंने आपको दिखा दिया। फिलहाल मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, बंद करके यहाँ पे लाइन खोल के मैं आपको एम का पीछे का जो साइड है एम का पीछे में आपको क्या क्या फंक्शन मिल जाता है वो भी मैं आप लोगों को एक बार चेक करा दूंगा। तो एम के पीछे में देखिए यहाँ पे रहा है आपका ऑक्स लाइन, तो ऑक्स लाइन पे आप ऑक्स कनेक्ट करके गाना गा सकते हो गाना सुन सकते हो। यहाँ पे आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके गाना सुन सकते हो, फोन से कनेक्ट करके टीवी से सब कुछ से कनेक्ट करके गाना सुन सकते हो। और ये रहा इसका FM एंटेना का पोर्ट, तो यहाँ पे आप FM और एंटेना लगा के FM भी सुन सकोगे। और उसके नीचे जो सबसे खास बात है इसके अंदर सुपर ऊपर
जो साबोफर का पुट, जो यहाँ पे आप एक्टिव साबोफर लगा के इसका बेस क्वालिटी को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। और ऊपर को जो मैंने आपको दिखा था दो सराउंड, ये देखिए 16 ओम्स का दो सराउंड यहाँ पे कनेक्ट होगा। और उसके नीचे में यहाँ पे आपको देखिए 8 ओम्स का दो मेन बॉक्स यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये रहा 1 2 3 4, ये 4 पोर्ट का ऑप्शन ऑडियो आउटपुट का। और इस साइड में आपको मिल जाता है एक छोटा सा फैन कूलिंग करने के लिए। और उसके ऊपर में देखिए यहाँ पे आपको लिखा मिल जाता है मेड इन टोक्यो जापान, तो टोक्यो जापान का जो सेट है। और यहाँ पर देखिए ऊपर में लिखा हुआ है GR8, तो मेड इन जापान का जो सिस्टम आता है, जितना छोटा हो क्यों ना हो उसके अंदर साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होता है। और सबसे बढ़िया बात उसके अंदर आपको एक खास बात मिल जाता है, जो एक्टिव सबवूफर उसके अंदर आप लगा सकते हो। ये एक्टिव सबवूफर लगाने से क्या फायदा, ये है जिसको बेस पसंद है, जिस भाई को, जिस अक्षर भाई को, जिस दादा को बेस ज़्यादा पसंद है, वो इसके अंदर और भी बेस ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा के सुन सकेगा आपका एक्टिव सबवूफर लगा के। तो आज के लिए यही वीडियो था, और तो आपके बीच लेके आऊँगा और एक वीडियो मेड इन जापान का। मैं खोज रहा हूँ क्योंकि मेड इन जापान का जो सेट है आप लोगों का बहुत ही डिमांड है। आप लोग लगे दिन मुझे कॉल करके बोलते हैं मेड इन जापान का और सेट लाओ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मेड इन जापान का सेट लाने के लिए फ्रेश कंडीशन में। फिलहाल ये पे सेट मेरे पास अवेलेबल है, जिसको चाहिए तो वो कॉल या मैसेज करके बात करके सामान उठा ले सकता है। सबको मैं एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ कि दादा ये जो सामान मैं जो सामान लाता हूँ वो मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से 1-2 पीस मिल जाता है। तो इसका जो स्टॉक होता है बहुत ही लिमिटेड स्टॉक होता है, तो पहले जो बंदा वीडियो देखता है जिसको पसंद आता है प्राइस वगैरह वो मुझे कॉल करके डिस्कस करके सामान उठा लेता है। तो जिसको पसंद आए वो तुरंत व्हाट्सएप पे तो मैसेज करना, उसके साथ साथ एक कॉल कर लेना, तो जिसको पसंद है वो वाला पहले उठा सकेगा सिस्टम को। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों का भाई सुदर्शन। तो आप लोग जिस तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हो, अगले दिनों भी सपोर्ट करते रहना। मैं कोशिश करूँगा कम से कम प्राइस में आप लोगों के बीच और भी नया नया सिस्टम सोनी का लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, जय श्री कृष्णा, आप लोगों का भाई सुदर्शन। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और मेरे साथ बने रहिए।